बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के सोपोर से। सोपोर के चक ब्रात गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को गांव में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और अब जानकारी ये मिल रही है कि ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, कुछ पता चल पाया है कितने आतंकी मौजूद हैं? देखिए, सुरक्षा बलों का ये कहना है कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि कम से कम लश्कर से जुड़े दो मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है। उनका ये कहना था कि ब्रत कलान की शकरकंड गांव में तलाशी अभियान चल रहा है और यहां पे देर रात को ही घेराबंदी कर दी गई थी और आज सुबह तड़के पहली रोशनी के साथ ही यहां पे घर घर तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान एक घर में छुपे हुए मिलिटेंट की तरफ से फायरिंग हुई। हालांकि फायरिंग के सिर्फ कुछ ही राउंड अब तक हुए हैं, उसके बाद सुरक्षा बलों की अतिरिक्त प्रमुख को बुलाकर इस पूरे इलाके की घेराबंदी और सख्त कर दी गई है और ऑपरेशन अब भी जारी है। अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने या जख्मी होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी और ज्यादा सख्त करके यहाँ पे मुठभेड़ वाले जगह को और ज्यादा सुरक्षित करके उन मिलिटेंट के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है जो कि अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता आसिफ जानकारी देते हुए कि सोपोर में जहां ये एनकाउंटर चल रहा है, कम से कम लश्कर के दो आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।